हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज फिर से हम बात करेंगे आईक्यू के बारे में। तो टाइटल पे से आपको पता चल गया रहेगा कि मुझे नया चार्जर मिला है, लेकिन ये नया चार्जर तक मैं पहुंचा कैसे और क्यों लेना पड़ा, ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने आईक्यू के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं, रिव्यू के, यूसेज के, सर्विस के वगैरह वगैरह सब डाले हैं। तो अगर आपने अब तक देखे नहीं है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सभी प्लेलिस्ट रहते हैं, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। एंड वीडियो अगर आखिर तक देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में डाल देना। तो बाय द वे, हमने एट्रिया भी ली है मेरे बेटे के लिए, इसको लाइसेंस नहीं लगती, इसका भी वीडियो ऑलरेडी है टेकिंग डिलीवरी। रिव्यू वीडियोज़ बाद में डालूंगा, फ़िलहाल नहीं डालने वाला हूं। तो बात करते हैं कि इसका मुझे नया चार्जर क्यों लेना पड़ा। एक दिन मैं लेके गया था, कुछ 12 किलोमीटर बचे हुए थे और मैंने स्कूटर लेके गया चलाने को। काफ़ी धूप का टाइम वगैरह था एंड 12 में से मैंने कुछ 8 या 9 किलोमीटर यूज़ कर लिए रहेंगे या 7 किलोमीटर यूज़ कर लिए रहेंगे, 4 किलोमीटर बताया था। एंड घर पे आने के बाद एकदम रेड लाइट ब्लिंक करने लगा और इनफैक्ट इधर आके ही ज़ीरो बताने लगा। तो वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। वहाँ पुराने क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं इस क्लिप के बाद डालता हूँ तो आपको बताने के लिए कि मैंने कैसे किया। तो एकदम ज़ीरो हो गया था, बाहर से मैं आया, बैटरी गर्म थी, चार्जर भी शायद इनबिल्ट चार्जर जो पुराना था वो भी शायद गर्म था, या फिर ऑनबोर्ड चार्जर गर्म था, या सर्किट गर्म थी। एंड मैंने इमीडिएटली चार्जिंग को लगा दी, जो कि मैंने बहुत गलत किया, उसकी वजह से मेरा पुराना चार्जर ख़राब हो गया। अब आप देखेंगे कि क्लिप्स जिसमें मैं बता रहा हूँ कि चार्जिंग को काफ़ी टाइम लग रहा था, मतलब इनिशियली 4 घंटे में चार्ज हो जाती थी, बट ये सब गड़बड़ होने के बाद वो 6 से 8 घंटे लेती थी, बाद में तो ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे लेने लगी। फिर तब तक मैंने TVS में ऑलरेडी एक कंप्लेंट रेज कर दी थी। और फिर जब चार्जर वापस आया, नया वाला एक्सटर्नल चार्जर, तो उन्होंने मुझे बुलाया और चेंज करके दे दिया। अभी 2 साइकिल ऑलरेडी चेंज चार्ज के हो चुके हैं, मैंने 2 बार ऑलरेडी इस नए चार्जर से चार्ज कर चुका हूँ। लेकिन उसके पहले अभी आप पहले पुराने क्लिप्स कुछ देख लो तो आपको आइडिया आएगा कि क्या सिचुएशन हुआ था। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव रिकॉर्डेड दिस। अभी 5% बैटरी बचा हुआ है एंड इट शोज द रेंज ऑफ 0, बट आई कैन स्टिल राइड इट। अभी 4 किलोमीटर बता रहा था व्हेन सम टाइम बैक जस्ट आउटसाइड माई हाउस, एंड एज सून एज आई वॉज अबाउट टू एंटर माई सोसाइटी गेट, इट स्टार्टेड शोइंग 0 रेंज, बट गाड़ी चल रही है। मे बी 2 या 3 किलोमीटर और चलेगी, इसके बाद बंद पड़ जाएगी। डालते हैं पार्किंग में एंड डालते हैं इसको चार्जिंग पे। 5% इज द एक्चुअल बैटरी रिमेनिंग। ये प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी का, बट मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। ये सिंबल शुरू हो जाता है जब 4 किलोमीटर से कम बचे रहेंगे तो, या अराउंड 5% बचा रहेगा तो। एंड दिस इज 2021 वाला IQ। चार्जिंग शुरू हो गया, लंबा बीप आया, मैं देखता हूँ इसको कितना चार्ज होने को टाइम लगता है। अभी टाइम हुआ है 12:30, इसको मैं हर 2 घंटे में आके देखता हूँ कितना चार्ज होता है। 12:30 बजे चार्जिंग को लगाया था, अभी 5 बजे हैं, इट्स 4.5 आवर्स एंड सिर्फ 60% हुआ है। सो 100% इसमें कुछ इशू है। मैं बीच में 3:30 बजे भी आया था नीचे चेक करने को, तभी 40 के आसपास कुछ परसेंट हुआ था। एंड यहाँ से स्मेल आ रहा है बहुत जलने का, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स गर्म होते हैं, न्यू ब्रांड रहते हैं तब गर्म होते हैं, वैसा स्मेल आ रहा है। उसमें नहीं है स्मेल, इसमें है। तो बताता हूँ TVS को मैं कॉल करके, देखते हैं क्या कहते हैं। चार्जिंग तो 100% बहुत स्लो हो गया एंड मेरे को पता नहीं था कि ये इशू है बाइक में। आज फर्स्ट टाइम मैं ऐसे चेक करने जा रहा हूँ और ये दिख रहा है मुझे। तो लेट्स सी, बात करता हूँ TVS वालों से क्या फीडबैक आता है। तो जैसे आपने देखा कि मुझे ऑलमोस्ट 4.5 घंटे में सिर्फ 60% बैटरी हुई थी, उसको और 100% होने को और 3-4 घंटे लग गए थे। तो उसके बाद मैंने कंप्लेंट्स वगैरह डाली TVS को, कंप्लेंट मतलब सर्विस सेंटर गया, इशू दिखाया, उन्होंने नोट कर लिया। वो बोले आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है, अभी स्लो हो रही है, लेकिन आप अभी लेके जाओ वापस, जब आपका चार्जर आ जाएगा अलॉटमेंट में तो आपको बुला देंगे वापस।
तकरीबन शायद 15 दिन या 1 महीने बाद शायद चार्जर वापस आ गया, एंड ये वाला चार्जर मिला है मुझे अभी एक्सटर्नल ये चार्जर। तो इसमें मैंने एक चीज़ देखा तो कूलिंग काफ़ी अच्छा होता है इसमें, उन्होंने फ़ैन वगैरह दिया है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पे शायद फ़ैन है, तो ये कूलिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। जो ये ऑनबोर्ड चार्जर था पहले, उसके बदले भी ये एक्सटर्नल कर दिया, एंड वायर जो यहाँ का नॉब है वो सब चेंज हो चुका है। अभी ये देखो, अभी आज भी रेंज 7 किलोमीटर, लेकिन आज दिन भर चली नहीं है गाड़ी, लेकिन मैं सोचा चार्जिंग कर दूँ, एंड काफ़ी फास्ट चार्ज हो रहा है। अभी टाइम कितना हुआ है, 8 बजे हैं, 10 बजे आके देखेंगे कितना चार्ज होता है। एंड चार्जर कुछ अब ऐसा दिखता है, इसमें एक LED है, एलग्रिप ब्रांड का है शायद। यहाँ पे एक टेस्ट बटन है जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, रीसेट बटन है जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और केबल काफ़ी लंबी है, मतलब शायद एक 3 मीटर होगी या 4 मीटर होगी। तो आप इसको ऐसे ऊपर रख पे, डायरेक्ट नीचे मत रखना कहीं पे भी, ऐसे ऊपर रख के आप इजीली चार्ज कर सकते हो। प्लस इसको हैंडल दिया हुआ है अगर आपको ऊपर लेके जाना है, क्योंकि पुराना चार्जर छोटा था तो अंदर रह जाता था, अब ये चार्जर जो है मैं ऊपर लेके जाता हूँ चार्ज करने के बाद, नीचे रखता नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है, इस कंपार्टमेंट में भी जाता नहीं है। तो ये हो गई इस चार्जर की बात। ये फास्ट चार्जर नहीं है, रेगुलर चार्जर ही है। अभी भी गाड़ी 4 ही घंटे लेती है चार्ज करने को, 3 घंटे वगैरह में। मैंने एक फेसबुक पोस्ट देखा था कि किसी को और एक को किसी बंदे को ये चेंज करके मिल गया था, उसको शायद 12 एम्पियर का मिला है, बट ये अभी भी 11 एम्पियर का ही है, एंड ये अभी भी स्लो चार्जर ही है, अभी भी 4 घंटे ही लेता है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी सेम इशू हो जाता है तो यू कैन गो एट TVS एंड उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो इशू है, एंड दे विल रिप्लेस इट अंडर वारंटी। मेरी गाड़ी ली थी जुलाई 2021 में और चार्जर रिप्लेस होके आया है अभी अक्टूबर 2022 में, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है। ओके एक है ना, मैं इस वीडियो के एंड में एक शॉर्ट क्लिप भी डाल दूंगा, जिनको अगर डाउट है कि मेरा पुराना चार्जर कौन सा था और चार्ज कैसे होती थी, क्या लाइट आता था उसमें, एक वो क्लिप भी डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। सो पीपल आस्क यू नो इफ देर इज ऑटो कट ऑफ और नॉट, एटलीस्ट द डिस्प्ले इन द iQube टर्न्स ऑफ। दिस चार्जर रिमेन्स ऑन समवेयर, प्रोबेबली रेड लाइट इज, ग्रीन लाइट इज ऑन, एंड आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट इट इज रेड, एंड माय सप्लाई इज फ्रॉम हियर। आई टर्न दिस ऑफ, रिमूव द चार्जर, एंड इफ यू सी दिस लाइट इज नाउ टर्न्ड ऑफ। सो दिस इज हाउ द चार्जर वर्क्स। सो भाई बज गए हैं अभी 10:38 अप्रॉक्सीमेटली, 10 बजे नीचे नहीं आ पाया, बट एनीवेज 2.5 घंटे में ऑलमोस्ट 60% चार्ज हुआ है, मतलब मैं छोड़ के गया था 7% पे, तो 52% हो गया है, विच इज़ द नॉर्मल चार्जिंग स्पीड। मतलब मैं बता रहा था जो ये नॉर्मल स्लो चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है, जो iQube S के साथ वगैरह जो आता है ना, वो वाला चार्जर नहीं है, ये बताना चाहता था मैं। तो चार्जिंग तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, अभी डिस्कनेक्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि ओवरनाइट मुझे चार्ज करना नहीं है, इतना काफ़ी है दिन में रन करने के लिए। और आपको दिखा देता हूँ वो पोर्ट वाला, अभी नया पोर्ट कैसा है। मैंने बिठाते समय लॉक नहीं किया था ठीक से, तो जब आप बिठाते हो ना तो ये आप इसको टर्न कर देना है। ओके अंदर डालने के बाद इसको टर्न कर देना है, तो ये बाहर खींच ना जाए ऑटोमेटिकली ना, किसी का पैर भी आ जाए केबल में तो ये पुल नहीं होगा, एंड शॉक वगैरह लगने के चांस नहीं है। तो जब निकालना है इसको ट्विस्ट करना है, ओके इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद पुल करना है तो ये बाहर आ जाता है। अब इसमें OBD पोर्ट भी अभी यहीं आ गया है, ओके तो मीटर बैटरी का रीडिंग वगैरह भी वो यहीं से ले पाते हैं, क्योंकि वो मैंने देखा करते हुए एक नए iQube पे। तो विद दैट सेड ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, अगर कुछ और सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लेना, एंड नए हो तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द। Turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my
another round.